लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। सो हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन्स। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो था द जेट फ्लो का रिएक्शन, इक्वेशन, देन टाइप्स ऑफ टर्बाइन्स, देन देखा सेवरल टाइप्स ऑफ टर्बाइन्स, उसके बाद देखा पेल्टन व्हील, एंड लास्ट दिन हम लोग को जो देखा था दैट वाज रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। एंड उसके बाद हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया था दैट इज ऑन द डिग्री ऑफ रिएक्शन। टुडे वी विल डू सम केस स्टडीज ऑन द डिग्री ऑफ रिएक्शन। लेट अस स्टार्ट विथ डिग्री ऑफ रिएक्शन। सो लास्ट दिन हम लोगों ने जो इक्वेशन देखा था इट इज लाइक दैट द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस यंग स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2 जी इंटू एजी, वेयर यू1 इज द इनलेट वेलोसिटी एट द रिएक्शन टर्बाइन, जी2 इज द आउटलेट वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन, एंड एजी इज द नेट एनर्जी चेंजेस इन साइड द टर्बाइन। दिस इज द टोटल एनर्जी चेंजेस इन साइड द टर्बाइन, एंड डिग्री ऑफ रिएक्शन वॉज दैट द चेंजेस इन द प्रेशर एनर्जी विद इन द रिएक्शन टर्बाइन और द चेंजेस इन द टोटल एनर्जी। सो इन द डिनोमिनेटर वी हैव चेंजेस इन द टोटल एनर्जी एंड इन द न्यूमरेटर वी हैव द चेंजेस इन द प्रेशर एनर्जी ओनली। ओके, नाउ वी विल डू द केस स्टडी। Now for Pelton wheel, you know that is the impulse turbine. That is the energy available at the inlet of the turbine is only the kinetic energy. No pressure energy is available. So for the Pelton wheel, we have already seen the velocities. That is the relative velocities. Because I have told you that at Pelton wheel, whenever we are solving the problem, we have seen that the blades in the Pelton wheels are smooth. Oh. That's why the blade velocity at the inlet is same as the blade velocity at the outlet. And similar, the relative velocity at the inlet is same as the relative velocity at the outlet. Okay. So what was our equation of total energy? So if we go to the previous slides, there is a total energy that is changing inside an engine, inside a turbine, that was V1 square minus V2 square by 2G, E1 square minus V2 square by 2G plus V2 square minus V1 square by 2G. So, yeah, three term tha, that net changes in that energy. Okay, and we have started this calculation with respect to radial flow turbines. Okay, now we will apply this equation for our impulse turbine. Okay, so, let's say impulse turbine mein kya hota hai. So impulse turbine may U1 is equal to U2 and VR1 is equal to VR2. So if we put this condition on this equation of total energy that is converting inside the runner, we'll get the equation like this. That means the total energy conversion is 2GHE is equal to V1 square by V2 square. Right? So in the previous equation, in the denominator we have 2G into HE. V1 square minus V2 square by 2G into HE. अब 2G into HE का वैल्यू कितना आया? By putting the values of V1 is equal to U2 and VR1 is equal to VR2, ये आ रहा है 2G into HE is same as V1 square minus V2 square. So if we put the value of 2G into HE on the degree of reaction equation, it will come 0. So ये बहुत tricky question है. अभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इंपल्स टर्बाइन का डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है. ओके, सो इट द आंसर विल बी सिंपली 4 ऑप्शन विल बी गिवन, द आंसर विल बी सिंपली 0. इंपल्स टर्बाइन का डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 है. ये तुम कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हो कि हम लोगों को पता है कि डिग्री ऑफ रिएक्शन मतलब चेंजेस इन द प्रेशर एनर्जी बाय द टोटल एनर्जी.
ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन मतलब चेंजेस इन द प्रेशर एनर्जी बाय द टोटल एनर्जी चेंजेस इनसाइड द रनर। नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन फॉर इंपल्स टर्बाइन? इट इज द काइनेटिक एनर्जी, मतलब इधर कोई प्रेशर एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई प्रेशर एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्चुअल रिएक्शन टर्बाइन, दैट इज व्हाट फ्रांसिस टर्बाइन। ओके, ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन, अदर आई विल से ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन। सो फॉर द एक्चुअल रिएक्शन टर्बाइन द आउटलेट इज रेडियल, द आउटपुट इज रेडियल, मतलब जो बीटा होगा, ब्लेड एंगल होगा एट द आउटलेट, इट इज 90 डिग्री। सो इफ द ब्लेड एंगल एट द आउटलेट इज 90 डिग्री, देन देयर विल बी नो VW2। VW2 मतलब द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वेलोसिटी। तो लेट मी ड्रॉ वंस अगेन द आउटपुट आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल्स। ओके, सो दिस इज द आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल्स। ईच टाइम यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज, so this one is your U2, this one is your VW2, this is V2, this is VF2, and this one is VR2, right? ये जो एंगल है ये मेन एंगल है, तो हम नोट करते हैं फाई से, और ये जो एंगल है बीटा है, इसको हम बोलते हैं ब्लेड एंगल। नाउ इन द केस ऑफ एक्चुअल रिएक्शन टर्बाइन बीटा इज 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री है, मतलब दिस V2 विल सुपर इम्पोज ऑन VF2, मतलब ये जो कोई VW2 टर्म होगा ही नहीं, तो आउटलेट का वेलोसिटी एंगल कैसा होगा? इट इज लाइक दिस, इट इज VR2, this direction it is U2, and this is V2 is equal to VF2. Okay, and ये जो angle है ये है phi. Okay, so this is for the actual reaction turbine. Now we will do the analysis for actual reaction turbine. So हमने देख लिया कि बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, VW2 इज इक्वल टू 0, एंड अनदर कंडीशन इज द फ्लो वेलोसिटीज। ये VF2 जो जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनलेट वेलोसिटी आउटलेट वेलोसिटी का, उसको हम कहते हैं फ्लो वेलोसिटीज, एंड दिस फ्लो वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द ब्लेड। दैट मींस V2 इज इक्वल टू VF2 इज इक्वल टू VF1। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द एनालिसिस एंड वी विल गेट वन इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट for your gate examination also. Okay, so let us understand. So from the inlet velocity angle, okay, so pehle samajh lete hain ki the net changes in the energy for the radial flow turbine ka kya tha. Okay, so hum log ko pata tha, that is rp, jisko hum he kehte the, rp is equal to he, the net changes in the energy with the runner. It was the pivot weight, it is VW1 U1 plus VW2 and U2. ये था तुम्हारा रनर पावर और जो नेट चेंजेस इन द एनर्जी इनसाइड द रनर। ओके, सो इफ वी पुट, अगर हम ये एक्चुअल टर्बाइन का कंडीशन लगा देते हैं, that is beta is equal to 0, मतलब VW2 is equal to 0, इधर ये कंडीशन अगर हम पुट कर देते हैं इन दिस इक्वेशन, तो क्या आएगा? दिस टर्म विल बी 0, सो द रनर पावर पर यूनिट वेट ऑफ वाटर पर यूनिट सेकंड विल कम 1/g VW1 into U1. ओके, सो लेट अस डू द मैनिपुलेशन ओवर हियर। ओके, सो दिस इज योर इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल। ओके,
this is your inlet velocity triangle. So let us see what is happening. So this angle is alpha. So what will be tan alpha? Tan alpha is this perpendicular by base. Okay, that is VF1 by this will be total VW1. This will be total VW1. Okay. So it will be VF1 by VW1. So what will be the value of VF1? So what about there? VF1. What is the value of VF1? VW1? It is nothing but VF1 by tan alpha, which is VF1. Next, come to the next slide. So either we have inlet velocity triangle draw कर लेते हैं. Let's make inlet velocity triangle draw कर लेते हैं. Okay, this is alpha, this is theta. Let's consider this is A, B, C. Okay. So this one is V1. So I hope मैं इतना बार ये velocity triangle बोल चुका हूँ कि तुम लोगों को सबको पता है what is VW1, what is VF1. So I did not write it over here. It will be time consuming. Okay. So let us find out U1. U1 मतलब क्या है? U1 मतलब है AB. So AB मतलब AC minus BC. Okay. So AB मतलब AC minus BC. Okay. So what is AC? AC is nothing but VW1, which is written over here. AC is nothing but VW1. What is VBC? So BC will get from this triangle. From this triangle. ये triangle से हमको BC पता चलेगा. Okay. So let us take cot theta. What is cot theta? Cot theta is nothing but base by perpendicular. मतलब BC by BF1. What is BC? This is BF1 into cot theta. So it is double into number here. And what is BW1? We have got from the previous equation. Let us come over here. It is VW1. It is VF1 cot alpha. So put it on this equation. Equation number dal do. Ye dalne ke baad aayega VF1 cot alpha minus VF1 cot theta. Okay. So hum logo jo equations tha VW1 multiplied by U1. So dono ka value put karenge. So H is equal to 1 by G VF1 cot alpha multiplied by VF1 cot alpha. So multiply hoga. So isko likh de udhar. ओके अब VF1 को बाहर निकल के आओ तो ये आ जाएगा VF1 स्क्वायर बाहर cot alpha तो है अब बाकी का जो रिमेनिंग टर्म है वो अंदर रहेगा ओके नाउ हम लोगों का जो डिग्री ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन था इट वाज 1 माइनस U1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G इनटू HE सो HE तो जो HE है इसका तो पता चल गया हम अपन को दैट इज एच इज इक्वल टू दिस ठीक है अब v1 और v2 को तो पता करना है तो लेट अस फाइंड आउट v1 एंड v2 ओके नाउ v2 इज इक्वल टू वी नो इट इज vf1 तो डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने जो इक्वेशन डाल रहे हैं इधर सब है vf1 के कॉरस्पॉन्डिंग ठीक है सो vf1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन डाल रहे हैं मतलब vf1 vf1 इक्वेशंस के हट जाएगा ओके सो एक इक्वेशन देगा ओनली अल्फा और कॉट के हिसाब से सो v2 इज vf1 मतलब उससे तो हमको कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत है ही नहीं किसका जरूरत है कैलकुलेशन करने का दैट इज v1 दिस इज योर इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कहां है तुम्हारा ये है तुम्हारा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल सो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से अगर हम v1 को vf1 के रिस्पेक्ट में दिखाना चाहते हैं तो क्या होगा सो इट विल बी V1 is equal to VF1 cosec alpha. Do it at your home. ये कर लो. लेकिन मैं बोल रहा हूँ cosec alpha मतलब 1 by sin alpha. ये कर लो ये equation आएगा. So V1 is equal to VF1 into cosec alpha. आप क्या करना है? आप ये equation को डालना है. सारे के चीज हम लोगों जो पता चल गए in respect to VF1 अब हम डालेंगे degree of reaction की equation पे. Okay. So it is It is 1 minus
तो v1 को डालो, v2 को डालो, v1 को डालो, v2 को डालो, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा लाइक दिस। ओके, अगर हम इसको मैनुपलेट करते हैं तो फाइनली ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 cot अल्फा बाई cot अल्फा माइनस थीटा। इसको रट्टा मार लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, बट ये याद रहना चाहिए, बिकॉज द क्वेश्चन कम्स रेटिंग ही क्वेश्चन। इधर भी बोल दिया जाएगा कि फॉर रेडियल फ्लो टरबाइन अल्फा का वैल्यू इतना है, इनलेट ब्लेड वेलोसिटी का एंगल इतना है, भेन एंगल है थीटा, इसका वैल्यू इतना है, सो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सो यू कैन नॉट इजिली फाइंड आउट बिकॉज यू डोंट हैव द v1 भी नहीं रहेगा, u u2 भी नहीं रहेगा, लेकिन तुमको दो चीज दिया हुआ है, अल्फा एंड थीटा। तो इफ यू नो अल्फा एंड थीटा यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट व्हाट इज आर। टू टू लाइंस प्रॉब्लम होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे तो ये टू लाइन का प्रॉब्लम है। सो ये था पूरा डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में। नाउ हम देखेंगे दो टाइप ऑफ टर्बाइन, वन इज फ्रांसिस टर्बाइन, देन कपलान टर्बाइन। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रांसिस टर्बाइन, इसका पॉइंट्स क्या है। सो फ्रांसिस टर्बाइन है इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन एंड रेडियल डिस्चार्ज, जो मैं बात कर रहा था, रेडियल डिस्चार्ज मतलब बीटा होगा 90 डिग्री, बीटा होगा 90 डिग्री। ओके, तो जो ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन था, जो पहले यूज होता था, वो था प्योरली रेडियल फ्लो टर्बाइन, प्योरली रेडियल फ्लो, ठीक है। लेकिन अभी का जो फ्रांसिस टर्बाइन है वो है मिक्स्ड फ्लो, मतलब इसका रेडियल इनपुट होगा और एक्सियल आउटपुट होगा, ठीक है। ये कैसे होता है भाई, द ब्लेड शेप इज लाइक दिस, ऐसे ब्लेड शेप होता है, ठीक है। सो इधर वाटर अंदर आया और तो इधर वाटर अंदर आया और ब्लेड का डिजाइन ऐसे होने के कारण, ब्लेड का डिजाइन ऐसे होने के कारण ये पूरा डिफ्लेक्ट हो गया एंड इसका डायरेक्शन चेंज हो गया थ्रू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। सो तुम्हारा जो फ्रांसिस टर्बाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन है, और उसका हम जो देखेंगे, जो केस स्टडी करेंगे, सो उसका होगा तुम्हारा एक्सियल आउटपुट, एक्सियल डिस्चार्ज। सो ये है वेलोसिटी ट्रायंगल, सो ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल व्हिच विल बी सेम एज जो फर्स्ट दिन से मैं ड्रॉ कर रहा था वो सेम है, इधर वही चेंजेस नहीं है, चेंजेस है तो इधर आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। ये जब मैं डिग्री ऑफ रिएक्शन का अभी प्रीवियस स्लाइड में जब डिग्री ऑफ रिएक्शन का बोल रहा था तो ये मैंने दिखा दिया, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया वेलोसिटी ट्रायंगल कि अगर रेडियल डिस्चार्ज है तो तुम्हारा आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। एंड ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट डाना ब्लेड जितना रहता है दैट इज 16 to 24 ब्लेड्स। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा फ्रांसिस टर्बाइन। अब कोई भी रिएक्शन टर्बाइन ले लो, ड्राफ्ट ट्यूब के बिना रिएक्शन टर्बाइन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों, कैविटेशन। कैविटेशन मैं बाद में पढ़ाऊंगा व्हाट इज कैविटेशन, ठीक है। आई होप वन फॉर्म सर इज टेकिंग योर क्लासेस एंड तब उन्होंने कैविटेशन बता दिया होगा, और मैंने भी पहले क्लास में बता दिया था व्हाट इज कैविटेशन। तो फिर फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बोल दूंगा, कैविटेशन मतलब जो वाटर बबल्स फॉर्म होता है एट द लो प्रेशर जोन वो ब्लास्ट होता है हाई प्रेशर जोन पे, ठीक है। हाई प्रेशर जोन जोन के जो सरफेस है उसमें आके ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैविटेशन इफेक्ट। इस हिसाब से तुम्हारा जो सर्फेस है जिधर वो आके ब्लास्ट होता है हाई प्रेशर जोन को, वो इरोड हो जाता है, दैट इज कैविटेशन। इट इज द डिफेक्ट ऑकर फेसेस whenever we design the turbines, turbine blades, okay. So to reduce the effect of cavitation, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं। और एक दूसरा भी इसका यूटिलाइजेशन है कि हम लोग जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है उस एनर्जी का हम कुछ हद तक हम उसको यूटिलाइज भी कर लें, ठीक है। सो ये कैसे होता है, सो जो ड्राफ्ट ट्यूब है, ये ड्राफ्ट ट्यूब ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया होता है, ठीक है।
ग्रेजुअल इंक्रीजिंग एरिया क्या करता है, ये जस्ट एक्ट लाइक एन डिफ्यूजर। डिफ्यूजर मतलब जो वेलोसिटी को कम कर देगा और प्रेशर को ज्यादा कर देगा। ये रिएक्शन टर्बाइन है, मतलब जो टर्बाइन का आउटपुट होगा, जो टर्बाइन का आउटपुट होगा वो लो प्रेशर में होगा, बहुत प्रेशर घट जाएगा। तो अगर लो प्रेशर में आ गया, भारत का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा आ गया, तो एयर बबल विल बैकफ्लो हो जाएगा, मतलब एयर बबल अंदर घुस जाएगा। तो ये घुस गया तो बहुत दिक्कत आ जाता है। सो दैट्स व्हाई ड्राफ्ट ट्यूब इज प्रोवाइडेड एट द आउटलेट ऑफ द टर्बाइन्स, रिएक्शन टर्बाइन्स बेसिकली। ये क्या करता है, ये ग्रेजुअली वेलोसिटी को डिक्रीज करता है एंड प्रेशर को इंक्रीज करता है, देन ये डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। एंड अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज भी करते हैं, तो जो हमारा जो नेट हेड अवेलेबल है वो हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। सो लेट अस सी वन कैलकुलेशन। ओके, नाउ हम लोगों को पता है कि ड्राफ्ट ट्यूब का जो टर्बाइन का रनर का जो इनलेट वेलोसिटी है दैट इज वी वन, आउटलेट वेलोसिटी है वी टू, क्लियर। नाउ मतलब ये एनर्जी अंदर आ रहा है, अगर हम वेलोसिटी हेड के हिसाब से बात करते हैं तो वी स्क्वायर बाई टू जी, इतना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, दैट इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। एंड ये जो वी टू स्क्वायर बाई टू जी है, ठीक है, ये वेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो हम बाहर छोड़ रहे हैं ना, ये जो वेलोसिटी है, तो वी टू स्क्वायर बाई टू जी जो है वो वेस्टेज है। तो अगर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं मोर तो क्या होता, तो हम लोगों को एनर्जी का जो ये है हेड है वो ज्यादा हो जाता है, हम लोगों को ज्यादा आउटपुट मिलेगा। वो कैसे होता है, सपोज लुक एट ओवर देयर, ये जो एच नेट है मतलब ये ड्राफ्ट ट्यूब है, ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब ये है टेल रेस, मतलब हम जहाँ वाटर को डिस्चार्ज करेंगे, और ये है टर्बाइन का आउटपुट, ये टर्बाइन का आउटपुट है जिसमें डिस्चार्ज है वी टू। मतलब अब अगर ड्राफ्ट ट्यूब नहीं है तो टेललेस किधर होगा, इधर होगा, तो टेललेस होगा इधर, ये टेललेस शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो इसका कंडीशन क्या है, वी टू, और हाइट कितना है, दैट इज एच नेट। ओके, सो अगर हम डाकू नहीं यूज कर रहे हैं तो नेट हेड अवेलेबल है एच नेट, नेट हेड अवेलेबल है एच नेट। नाउ मान लो अब हम डाकू यूज कर रहे हैं, अगर हम डाप्टिव यूज कर रहे हैं, मतलब ये जो हेड इधर तक एच नेट था वो बढ़ के आ जाएगा इधर, ठीक है, ये आ जाएगा इधर। नाउ व्हाट इज द नेट अवेलेबल, दैट इज दिस इज एच वन, नाउ द एच वन नेट इज अवेलेबल, ठीक है। सो कितना हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा था, दैट इज एच नेट इज इक्वल टू ये जो टोटल हेड था माइनस इसका जो डिस्चार्ज था इधर और दिस साइड, ठीक है। ये था तुम्हारा डार्क ट्यूब का वेस्टेज, डार्क ट्यूब बिना। नाउ डार्क ट्यूब डाल दो, ठीक है, तो डार्क ट्यूब डालने के बाद ये जो वेलोसिटी है ये हम थोड़ा यूटिलाइज करेंगे, वेलोसिटी को हम हेड में कन्वर्ट कर देते देंगे, जो थोड़ा एच नेट हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर थोड़ा हमारा एच नेट बढ़ जाएगा तो हम लोग को जो आउटपुट में मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो डार्क ट्यूब के में बारे में डिटेल्स कैलकुलेशंस और डिटेल्स थिंग मैं बाद में बोलता हूँ, पहले ये समझ लो कि डार्क ट्यूब के बिना कितना हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, और डार्क ट्यूब होने के कारण हम कितने एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और डार्क ट्यूब के बारे में विस्तार में हम बाद में बोलेंगे। सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सो ये था डार्क ट्यूब का कॉन्सेप्ट कि हम अगर हम डार्क ट्यूब यूज करेंगे तो ज़्यादा हेड हम यूज कर सकते हैं। Now, whenever we do the problem in reaction turbine or the Francis turbine, we have to remember some key formulas. So, formula क्या है? Look at over there. वो formula है ये. So, what is the runner power or work done per second? That is rho a v1 into vw1 e1. As beta is 90 degree, मैंने बोल दिया था radial discharge. फिर weight per unit weight, that is he. Working for due to it, which is termed as HE, BW1 E1 by G. So, hydraulic efficiency क्या होता है? It is runner power by water power.
टर्नर पावर क्या है ये, ठीक है, वाटर पावर क्या है एम जी इंटू एच नेट, ये तो हमको पता है एम जी एच, एम जी इंटू एच नेट, नाउ रो ए वी सेम एज एम, सो इट विल कम वी डब्ल्यू वन यू वन बाई एच नेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको याद रखना, वी डब्ल्यू वन यू वन बाई जी इंटू एच नेट, इसको याद याद रखना, अगर याद नहीं रहता है तो कैलकुलेट कर लेना, ओके। So this is all are the important formulas to solve any problem in Francis turbine. So देखते हैं Francis turbine, ये शायद तुमको समझ में आ रहा है, ये norm, ये तुम्हारा modern day Francis turbine है, जो तुम्हारा radial inward radial flow है, मतलब ये जब flow इधर से जा रहा है, ये है inward radial flow, इधर है, ये है shaft, इसके ऊपर रनर ब्लेड्स आर माउंटेड है, उसके ऊपर है गाइड वेन्स, गाइड वेन्स दिख नहीं रहा है, सो वाटर इज कमिंग इन दिस साइड, ओके, इट इज रोटेटिंग, यू कैन सी अ स्पाइरल केसिंग इज देयर, आई हैव टोल्ड व्हाई द स्पाइरल केसिंग इज गिवन, क्यों एरिया छोटा हो जाता है, ये मैंने बोल दिया, एंड ये देखो ये है डिस्चार्ज, दिस इज द रेडियल डिस्चार्ज, एक्सियल डिस्चार्ज, सो इनवर्ड रेडियल इनलेट एंड एक्सियल डिस्चार्ज, ओके. So this is the modern day Francis turbine. Look at over there. ये और एक डायग्राम है modern day Francis turbine का. ये देखो water इधर से आता है, ठीक है, ये है तुम्हारा Francis turbine जो घूमता है, ठीक है, ये है तुम्हारा draft tube, ये draft tube है, ये draft tube discharge करता है तुमको in the tail race. Okay. And because of the using the draft tube, look at over there. ये इसका डिस्चार्ज पॉइंट है, ये डिस्चार्ज पॉइंट है, सॉरी ये डिस्चार्ज पॉइंट है, सो कितना हीट अवेलेबल है, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज अवेलेबल, यू कैन सी, अगर हम ड्राफ्टिव यूज नहीं करते तो इतना हीट अवेलेबल होता, इतना हीट अवेलेबल होता, सो ये अमाउंट तक हीट हमको मिल रहा है यूजिंग ऑफ ड्राफ्टिव, ठीक है, सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ ड्राफ्टिव, ये हम लोगों को ज्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक है, एट द इनलेट, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर Francis turbine, नेक्स्ट दिन हम स्टार्ट करेंगे, ओके, और एक, हाँ, Francis turbine का और एक इक्वेशन है, वो मैं बोल देता हूँ, ये जस्ट मैंने भूल गया था बोलने के लिए, सो ये है इन इन द रेशियो ऑफ वी वन बाई डी वन, ओके, वी वन क्या है, रनर विड्थ है, और डी वन इज द डायमीटर द इनलेट है, फ्लो रेशियो है वी एफ वन बाई वी वन, इसको याद रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा याद रखना पड़ेगा ये डिस्चार्ज, ये कभी भूलना मत, सबका डिस्चार्ज अलग अलग होता है, पेल्टन का अलग होगा, ये फ्रांसिस का अलग होगा, कपलन का अलग होगा, ठीक है, सो ये जो डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज यू कैन सी पाई डी वन वी वन इंटू वी एफ वन, दैट इज द फ्लो वेलोसिटी एट द इनलेट इज इक्वल टू पाई डी टू वी टू इंटू वी एफ टू, ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं with respect to Francis turbine, so ये बहुत ज़्यादा important है, और ये था degree of reaction का formula, already मैंने बोल चुका हूँ, so this is all about Francis turbine, so next day we'll start your radial for your axial turbines, I'm taking of that Kaplan turbine, Popular turbine, and then उसके बाद हम कुछ specific speed और unit speed के हिसाब से और model analysis करेंगे, फिर उसके बाद ये टर्बाइन खत्म हो जाएगा, सो आई एम गोइंग स्लो इन दिस टर्बाइन पोर्शन बिकॉज दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, पंप जब हम करेंगे सो हम बहुत स्पीड से जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्योंकि इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ रेडियल फ्लो टर्बाइन, हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप देखेंगे, तो देखेंगे और बाद में देखेंगे, सो इसी ये जो टर्बाइन सेक्शन है, बोथ इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन जो सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट, एंड ये जो मैथमेटिक्स है ये अपने घर में हाथ से करना, तभी समझ में आएगा, ठीक है, सो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग माय लेक्चर, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, ओके, सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, ये एक बार हाथ से कर लो, ये तभी समझ में आएगा डाउट्स किधर है, अगर अपने हाथ से खुद के हाथ से तो जब तक नहीं कर रहे तो डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, अपने हाथ से करो, फिर मुझको पूछना क्या क्या प्रॉब्लम है और नहीं है, ठीक है, आज के लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।
ओके सो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग माय लेक्चर. थैंक यू.